सो हे गाइस, लेके आपके लिए हॉलीवुड के टॉप 10 हिंदी डब मूवीज़ जो कि यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। इन सारे मूवीज़ का लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे बिग लेजेंड। ये मूवी एक मॉन्स्टर हॉरर मूवी हो। बात करें इस मूवी के स्टोरी लाइन की, तो इस मूवी में एक कपल होते हैं जो कि जंगल में घूमने के लिए जाते हैं और उनका सामना हो जाता है एक बड़े मॉन्स्टर से जिसे यति कहते हैं। और फिर बाद में उनके साथ क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी पूरी वॉच करनी होगी। अगर आपको यूनिक मूवीज़ देखना पसंद है तो आप इस मूवी को वॉच कर सकते हो। और इस मूवी को 4.9 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 9 पे द मेज। ये मूवी एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में थॉमस होता है जिसकी मेमोरी जो है इरेज हो जाती है और साथ ही वो एक बड़े ट्रैप में फंस जाता है। वो किस तरह इस ट्रैप से बच के बाहर निकलेगा ये आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और ये मूवी इस लिस्ट की सबसे डिमांडिंग मूवी है, तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और इस मूवी को 6.8 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 8 पे हेल्प आई श्रंक माई टीचर। इस मूवी में एक स्टूडेंट होता है जिसके टीचर की हाइट मैजिक की वजह से छोटी हो जाती है। और फिर बाद में आपको इस मूवी में ढेर सारी कॉमेडी देखने को मिलती है। ये मूवी एक फैंटेसी कॉमेडी मूवी है और इस मूवी को 5.1 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 7 पे टेक मी होम टू नाइट। और इस मूवी में एक लड़का होता है जो कि एक नॉर्मल से जॉब कर रहा होता है और उसकी लाइफ भी एकदम नॉर्मल से चल रही होती है, लेकिन एक दिन उसे एक पार्टी में इन्वाइट किया जाता है जिसके बाद आपको इस मूवी में एक टर्न देखने को मिलेगा और वहाँ से मूवी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और ये मूवी एक 18+ एडल्ट मूवी है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप 18 साल से ऊपर हो तभी आप इस मूवी को वॉच करें। इस मूवी को 6.3 की IMDb रेटिंग मिली है। तो चलिए नेक्स्ट मूवी देखते हैं। नंबर 6 पे द कोमा। इस मूवी में बताया गया है कि कोमा में जाने के बाद रियल एक्सपीरियंस किस तरह का होता है और ये मूवी एक साइंस फिक्शन मूवी है। अगर आपको यूनिक मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को भी वॉच कर सकते हो। इस मूवी को 6.4 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 5 पे रिंग्स। ये मूवी एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। बात करें इसमें के स्टोरी लाइन की, तो इस मूवी में एक वीडियो टेप होती है जिसे देखने के बाद हर किसी की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी पूरी देखनी होगी। और इस मूवी को 7.1 की काफ़ी अच्छी IMDb रेटिंग भी मिली है। तो चलिए नेक्स्ट मूवी देखते हैं। नंबर 4 पे पैसेंजर 57। ये मूवी एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी में कहानी बताई गई है जॉन की, जो कि एक एंटी टेररिस्ट एजेंट होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा टेररिस्ट को पकड़ते हैं। एक दिन जॉन एक फ्लाइट में सफ़र करता है और वो फ्लाइट टेररिस्ट द्वारा हाईजैक हो जाती है। और फिर जॉन क्या करता है ये आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। ये मूवी थोड़ी सी ओल्ड है लेकिन ये एक बेस्ट थ्रिलर मूवी है और इसमें को 5.9 की IMDb रेटिंग मिली है। और ये मूवी एक डिसेंट लेवल की मूवी है, तो आप इस मूवी को भी वॉच कर सकते हो। नंबर 3 पे पीटर रैबिट। इस मूवी के स्टोरी लाइन की अगर बात की जाए, तो इस मूवी में कुछ रैबिट्स की फैमिली होती है जिनकी एक इंसानी दोस्त होती है जो कि एक लड़की होती है। और उस लड़की को प्यार हो जाता है किसी लड़के से और वो उस लड़के से शादी करना चाहती है, लेकिन ये बात इन रैबिट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और इसलिए ये सब रैबिट्स वो लड़के को परेशान करते हैं। और ये मूवी एक फैंटेसी कॉमेडी मूवी है और इस मूवी में आपको ढेर सारी कॉमेडी देखने को मिलेगी। अगर आपको फैंटेसी कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है तो आप इसमें को बिल्कुल भी मिस मत करना। ये सच में एक अमेजिंग मूवी है और इसमें को 6.6 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 2 पर है रोबोकॉप। ये मूवी एक साफ एक्शन मूवी है और इसमें में एक शख्स की कहानी बताई गई है जिसका एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें से काफ़ी सारे इंजुरीज आते हैं और इसके काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। और फिर इसके शरीर में काफ़ी सारे रोबोटिक बॉडी पार्ट्स लगाए जाते हैं जिसके बाद ये शख्स आधा इंसान और आधा रोबोट बन जाता है। और उसके आगे क्या होता है ये आप इस मूवी में देख सकते हैं और इसमें को बिल्कुल भी मिस मत करना। ये एक यूनिक साइफाई मूवी है और इस मूवी को 6.1 की IMDb रेटिंग मिली है। तो चलिए देखते हैं नंबर 1 पोजीशन पे कौन सी मूवी है। नंबर 1 पे जॉन विक। इस मूवी का पहला और तीसरा पार्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस मूवी के बारे में कुछ भी बताने का आप मुझसे नहीं होगा, बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये मूवी एक जबरदस्त एक्शन मूवी है। आप इस टॉप 10 लिस्ट में से कोई मूवी देखो या ना देखो, लेकिन इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस मूवी के फर्स्ट पार्ट को 7.4 की IMDb रेटिंग मिली है और थर्ड पार्ट को मिली है 7.5 की। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉच।